नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। अब नजर डालते हैं खबरों पर। आजमगढ़ से खबर है जहां आजकल राजनीतिक मूल्य कुछ इस प्रकार गिरा है कि नेता और दल के प्रवक्ता अपने दल के मुखिया को खुश करने व विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए दलों का जातीय वर्गीकरण कर उन पर ओल झलूल आरोप लगाते विवादित बयान देकर राजनीतिक टोटियां फेंकने में लगे हुए हैं। ऐसा एक मामला आज जिले के महाराजगंज कोतवाली में देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज के कुछ लोग कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के द्वारा लखीमपुर में लाठी डंडों से पीट पीट मार दिए गए। चार ब्राह्मणों को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर जिम्मेदारी से डकैत बोलते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने से इनकार कर दिया। इस पर ब्राह्मण समाज आहत हुआ है और आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने जिले के महाराजगंज कोतवाली पहुंचकर चैनल की डिबेट का वीडियो देते हुए सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ लिखित तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के भूपेश मिश्र, पंकज मिश्र सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। देखना यह है कि भारतीय राजनीति और कहां तक स्तर विहीन होती है और हमारे राजनेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय परंपराओं का कहां तक मजाक उड़ाते हैं। मिश्रा जी, आप किस बात को से आहत होकर के आपने एक आवेदन दिया है, एक तहरीर दिया है महाराजगंज थाने में, पूरा प्रकरण क्या है सर? महोदय, कल दिनांक 10 अक्टूबर को टीवी 9 भारत पर बहस हो रही थी लखीमपुर कांड पर, किसान आंदोलन और मैं जो मारपीट हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उस पर एक बहस का आयोजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो ब्राह्मण मारे गए वो डकैत की तरह थे, डकैत के समान थे। मतलब हमारे जो ब्राह्मण, हमारी जो बिरादरी है, उसको डकैत माना गया, जिनको पीट पीट कर मार डाला गया उनको डकैत की संज्ञा सुरेंद्र राजपूत ने दिया। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही मानसिक आघात पहुंचा है। ये पूरी तरह से समाज में वैमनस्य फैलाने का बयान है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसके लिए मैंने FIR कराने के लिए थाना कोतवाली में दिया है और जितना भी हो सकेगा हम इस पर आंदोलन करेंगे, आगे शासन से कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी ने तो उसमें मानवाधिकार के संदर्भ में भी उसमें बोला है कि नहीं, मानवाधिकार डकैतों का भी होता है, तो क्या ये व्यू आपके लिए ठीक नहीं था? हमको नहीं लगता कि वो जो ब्राह्मण चारों मारे गए हैं वो पी सबको चलाया है। हमने पीड़ित परिवार का भी बयान चलाया, हमने प्रियंका गांधी का बयान भी चलाया। जी सुन लीजिए एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी गांव में जब डकैत घुस जाते हैं और बाकायदा गांव वालों को मारते हैं, तो उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ डकैत भी मारे जाते हैं। उन डकैतों के मारे जाने पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिंचिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं, उनके भी कानूनी हक है। अब आप आ जाइए हनुमानगढ़ वाली हिंसा पर। हनुमानगढ़ वाली हिंसा पे आप लगातार मिसलीड कर रहे हैं समीर भाई, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। राजपूत साहब, जो आप कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है? वो आपको सही लग रहा है? सुनिए सर, मतलब गाड़ी से कुचले गए जो लोग, उनके मानवाधिकार हो सकते हैं, उन लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते जिन्हें डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया? आप कह रहे हैं वो डकैत थे, आपको ये ठीक लग रहा है? मानवाधिकार है, डकैतों का भी मानवाधिकार है। हाँ, अब तो कह रहे हैं ना। नहीं तो किस बिना पर डकैत कर रहे हैं आप उन्हें? आप किस बिना पर उन्हें डकैत कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने अगर कुचल करके मारा है तो डकैत नहीं हुए। अगर ना ये तय होगा ना। और जिन लोगों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, आपको पता है कि उनकी क्या भूमिका थी? राजपूत साहब, गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए आप जैसे जिम्मेदार शख्स को। जिम्मेदारी से दे रहा हूं और उनसे भी मुझे संवेदना नहीं मारे जाने चाहिए, ये भी मैं आपसे कह